गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के सुरैला गांव में रविवार को एक शातिर चोर को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। इसके बाद गेहूं के खेत में चोर की इतनी पिटाई की कि वहां तमाशबीनों की भारी भीड़ जमा हो गई। इस दौरान गांव के ही कुछ लोगों ने पिटाई का वीडियो वायरल कर दिया। खबर लगते ही गौरा बादशाहपुर थाना पुलिस और यूपी डायल 112 मौके पर पहुंचकर काफी जद्दोजहद के बाद शातिर चोर को ग्रामीणों के बीच से सुरक्षित थाने ले गई। दरअसल गौरा बादशाहपुर क्षेत्र में चोरी की कई घटनाएं हो चुकी है। इसके मद्देनजर गांव के कुछ युवक पिछले कई दिनों से एक युवक जो चोरी की घटनाओं में पहले भी जेल जा चुका है तलाश रहे थे। संयोग ही रहा कि उक्त शातिर चोर दिख गया तो ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पूछताछ शुरू कर दी। इस दौरान उसने चोरी की कई घटनाओं में शामिल होना बताया, जिसके बाद ग्रामीण गेहूं के खेत में ले जाकर उसकी जमकर धुनाई करनी शुरू कर दी। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची तो लोगों ने युवक को पुलिस के हवाले सौंप दिया। इस संबंध में जौनपुर के ASP सिटी संजय कुमार ने बताया कि पकड़ा गया युवक शातिर चोर है। उसके खिलाफ 4 मुकदमा पहले से ही पंजीकृत है। पूर्व में भी वह चोरी की कई घटना में जेल जा चुका है। अभी 2 महीना पूर्व जेल से जमानत पर रिहा हुआ था। पकड़े गए युवक के पास से पुलिस ने चोरी का एक लैपटॉप, चोरी की एक बाइक व अन्य सामान बरामद किया है। ASP संजय कुमार ने बताया कि पिटाई करने के आरोप में 2 युवकों के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। ये जो वीडियो वायरल हो रहा है ये ग्राम थाना पुसरेला का है, जो थाना क्षेत्र गौरा बादशाहपुर का है। ये वीडियो आज सुबह की है। जो अभियुक्त है इसमें, जिसके साथ मारपीट हो रही है, वो एक चोर है और मोटरसाइकिल और एक लैपटॉप चोरते हुए ग्रामीणों द्वारा पकड़ा गया है। इसके साथ मारपीट हुई है और जो अभियुक्त है ये पहले भी चोरी में जेल जा चुका है, 2 माह पहले छूट गया है। ये 4 अभियोग इसके खिलाफ पंजीकृत हैं। आज इस अभियुक्त को ग्रामीणों द्वारा ही पकड़ के थाने पर लाया गया, जहां से इसे जेल भेजा गया। इसके पास से एक लैपटॉप, एक मोटरसाइकिल बरामद की है और अन्य आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। जो अभियुक्त के साथ मारपीट की गई है उसमें भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अन्य विधि कार्रवाई प्रचलित है।